सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। भाई यार ऐसा वीडियो बनाने के लिए सिंपल सी बात है, आपको एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ मैं आपको बता दूं, यह वीडियो ना लास्ट तक देखिएगा और स्किप कर करके मत देखिएगा। यदि आप स्किप करके देखेंगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, और जब नहीं समझ में आएगा तो फिर आप यही बोलेंगे, चल बोझड़ी के। चल खैर छोड़िए, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह वीडियो जो बनाने वाला हूं मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन में बनाने वाला हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप काइन मास्टर को एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। भाई चलिए सबसे पहले हमें काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में यहां प्लस के आइकन पर क्लिक करके 16:9 का हम रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके, यहाँ पर बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ब्लैक वाला जो कलर देख रहे हैं इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा इसको हम इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लेयर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके, टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें जिसका भी बनाना है, जैसा कि हमें अपने नेम का बनाना है तो हम अपना नेम यहाँ पर टाइप कर देंगे भाई कैपिटल लेटर में। लिखने के बाद में अब हमें यहाँ ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, फिर उसके बाद में इसको भी हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, यहां तक पूरा इंक्रीज कर लेंगे। तो भाई इंक्रीज करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां जो एक ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अब हमें यहां ये जैसा कि देख सकते हैं इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले इसको डाउनलोड हो जाने देंगे, फिर उसके बाद में यहां टी के ऑप्शन पर क्लिक करके यहां डिस्प्ले का जो ऑप्शन दिख रहा है इस डिस्प्ले के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहां से कोई भी जो फॉन्ट हमें अच्छा लग रहा है उसे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए जैसा कि मैंने यहाँ पर से पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, जो भी फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ बहुत सारा फॉन्ट है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसा कि ये देख सकते हैं हम अपने फॉन्ट को यहाँ पर से चेंज कर देंगे, यानी कि सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में चलिए यहाँ से हम ये फॉन्ट जो है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जैसा कि ये देख सकते हैं हमारा फॉन्ट जो है स्टाइलिश बन गया है। अब इसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इन एनिमेशन का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस इन एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अब हमें यहाँ पर ये जो वाइप राइट वाला देख रहे हैं यहाँ पर कई है जो सेलेक्ट करके अपने यहाँ पर जैसा कि आपको पसंद आए उस हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये जैसा कि देख सकते हैं। तो चलिए जैसा कि ज्यादा बेहतर ये वाइप राइट वाला लगेगा इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। सबसे पहले इसको हम पूरा फुल यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ये जैसा कि देख सकते हैं इसका फुल जो है ये ड्यूरेशन इस साइड से कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में फिर से इसको सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ व्हाइट कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर ग्रीन का जो कलर देख रहे हैं इस ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये जैसा कि देख सकते हैं हमारा बन गया। बनने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो इसको देख रहे हैं इस पर क्लिक करके अब हमें इसको एक्सपोर्ट कर लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये जैसा कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट होने के बाद में अब हम आपको बताते हैं क्या करना है। भाई जैसा कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद में फिर से हम बैक आ जाएंगे, फिर से हम नया एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे। फिर यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके 16:9 का ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अब हम यहाँ मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था वो वीडियो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए जैसा कि ये देख सकते हैं हमारा ये वीडियो है, हम इसको डाउनलोड करके रखे हैं, यही वीडियो है। तो ये जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर वीडियो जो है ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा इसको कट कर देंगे इस साइड का ना। तो चलिए यहाँ पर कट कर देते हैं इसको, थोड़ा 20 सेकंड के इस साइड का कट कर देंगे। फिर उसके बाद में इस पर क्लिक करके, फिर उसके बाद में हमने जो लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जो अभी एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में हम इसको थोड़ा फुल यहाँ पर क्लिक करके फुल साइज पर कर लेंगे। करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर फिर से क्लिक करके अब हमें क्रोमा की का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इसको इनेबल कर देना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद में आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, अब फिर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये जैसा कि देखिए ये यहाँ पर कुछ इस टाइप में बन गया जैसा कि मैंने बनाया था। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही सिंपल तरीका जो कि मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि ये देखिए हमारा यहाँ तक नेम जो है जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे इस पर क्लिक करके। तो चलिए इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर से जो है इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो फिर इसी तरीके से हमारा बन जाएगा, ये जैसा कि देख सकते हैं हमने एक्सपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद में आपका ये गैलरी में जो है सेव हो जाएगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आया तब पर भी लाइक करिएगा। और हाँ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर
मैसेज भी कर सकते हैं यदि कोई क्वेश्चन हो तो। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।